नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये स्लोगन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो यूपी में हर इंसान की सुरक्षा का दम भरती है। लेकिन जब यही सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस आम इंसान के लिए भक्षक बन जाए, इसे आप क्या कहेंगे? सवाल बड़ा है लेकिन गंभीर है। चर्चा गली गली है, पर खतना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी गलियारों की है। जहां योगी के गृह जनपद होने के नाते व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो शहर है जहां लोग पुलिस से डरते हैं। क्यों डरते हैं आपको बताते हैं। दरअसल 3 दिन पहले कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता को पुलिस ने चेकिंग के नाम पर प्रताड़ित किया और उसकी मौत हो गई। अब व्यापारी की मौत के पीछे जो ताना बाना पुलिस ने बुना, वो बेहद ही डरावना है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और थोड़ी ही देर में कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल गोरखपुर में कानपुर के एक व्यापारी की मौत के बाद यूपी पुलिस सवालों से घिरी हुई है। परिजनों का आरोप है कि व्यापारी को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला। अब इस मामले में एक वायरल वीडियो ने यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में पुलिस ने क्या कुछ कहा, परिवार ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएंगे और बाद में सुनवाएंगे। लेकिन मामला शुरू कैसे हुआ और इसमें क्या कुछ हुआ, ये जरा पहले आपको बता देते हैं। दरअसल कानपुर के एक 38 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मंगलवार सुबह गोरखपुर में एक होटल में मौत हो गई थी। आरोप लगा उन पुलिस कर्मियों पर जो कमरे में अपराधियों की तलाश करने का दावा कर घुस गए थे। इन्हीं पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप से हमला करने के बाद ही मौत हो गई व्यापारी की। और इस पूरे मामले में जब विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसी दौरान मनीष गुप्ता के परिवार के साथ डीएम और एसएसपी ने मीटिंग की। वहां उन्होंने जो कुछ कहा, वो यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल एक वायरल वीडियो में परिजनों से अधिकारी ने कोर्ट में मामला लंबे चलने की बात कही है। साथ ही पुलिस के बात करने के लहजे पर भी सवाल उठ रहा है। इस वीडियो के बाहर आने के बाद से अब पूरी यूपी पुलिस की आलोचना हो रही है। मामले पर जानकारी देते हुए गोरखपुर के एसपी विपिन टाडा ने एक बयान में कहा कि अपराधियों की तलाशी के दौरान रामगढ़ताल थाने की पुलिस एक होटल में गई हुई थी। एक कमरे में अलग अलग शहरों के 3 संदिग्ध युवक ठहरे हुए थे। पुलिस टीम जब होटल मैनेजर के साथ वहां गई तो दहशत में कमरे में मौजूद एक व्यक्ति गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज किया गया। बीआरडी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम भी करने वाला है, जो पोस्टमार्टम किया भी गया। तीनों लोग यहां क्यों आए थे, इसका पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है। चलिए आपको पहले वो वीडियो ही दिखा देते हैं जिसको लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए वो वीडियो। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के रहे। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। वही मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि डीएम और एसएसपी ने खुद उन्हें एफआईआर कराने से रोका। उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर तभी दर्ज हुई जब सीएम योगी ने हस्तक्षेप किया। अब मीनाक्षी गुप्ता ने मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। और इस बीच मनीष गुप्ता का शव जब गृह जनपद कानपुर पहुंचा तो वहां भीड़ ने भी प्रदर्शन किया। चलिए अब आपको मनीष की पत्नी का भी वीडियो दिखा देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस पूरे मामले पर। उनका कहना था कि जिन्हों वो ऑन ड्यूटी है, सब लोग ऑन ड्यूटी में ऐसे नहीं होता है। पहले हम देखते हैं वो गुने उन हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, जो जो प्रोसेस बताया था। बट पर
हमें तो करना था क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई थी, वो मुकदमा दाखिल नहीं कर रहे थे। ये उस समय का वीडियो है जब हमने उनमें से, उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ दो का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, तीन का नाम हमें कंफर्म है, जो वहाँ से हमें पता चल रहा है रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो तीन नाम तो रखेंगे ही। बाकी जो तीन उनके साथ गए, उनका अज्ञात नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में छह कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी, असलियत तो यही है। उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया उन दोनों ने। वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही क्योंकि मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो जो परिवारजनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, मैं हमारा नहीं दिया। प्रॉपर्टी डीलर मनीष की मौत के बाद से ही पुलिस का रवैया सवालों के अब घेरे में है। मौत के पीछे ही घंटों बाद कानपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने इसे एक दुर्घटना बता दिया। उन्होंने कहा कि मनीष हड़बड़ाहट में बिस्तर से गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें चोटें लगी हैं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि मृतक मनीष की पत्नी लगातार इसमें पुलिस वालों का हाथ होने की बात कहती रही। उन्होंने 29 सितंबर को भी मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि पुलिस प्रशासन लगातार उन पर FIR लिखवाने का दबाव डाल रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। बता दें आपको, इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर CM योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर पहुंचे और कहा गया कि वो उनसे पीड़ित परिवार की पत्नी से, मनीष की पत्नी से मुलाकात करेंगे। और मनीष की पत्नी से CM ने मुलाकात भी की, जिसके बाद मीनाक्षी ने कहा कि CM की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और ऐसे में CM योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन इस पर अब विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया है। सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मनीष को श्रद्धांजलि दी, और इस अवसर पर सपा पदाधिकारियों ने इस मामले की CBI जांच कराने के साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। और साथ ही आपको बता दें, जो तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं, आज सुबह कानपुर अखिलेश यादव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। साथ ही इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने CBI जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतक की पत्नी को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने की मांग की जा रही है सपा की तरफ से। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गोरखपुर में कथित रूप से पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने से एक व्यवसायी की हुई मृत्यु के मामले को लेकर अब राज्य सरकार को घेरा है। प्रियंका ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे प्रदेश के आमजनों में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार में जंगल राज का ये आलम है कि पुलिस अपराधियों पर नर्म रहती है और आम जनों से बर्बर व्यवहार कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से इस प्रॉपर्टी डीलर की जो मौत हुई है, उसके बाद से कल उसका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि लगातार पत्नी ये मांग करती रही, इस मांग पर अड़ी रही कि जब तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं कर लेती और उनकी मांगे वो नहीं रख देती CM के आगे, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी। हालांकि कल वहां पर प्रशासन पहुंचा, कुछ अधिकारी पहुंचे, उन्हें समझाया गया, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी मुलाकात कल CM यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराएंगे, जिसके बाद मीनाक्षी ने अंतिम संस्कार की इजाजत दी। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो वादा किया गया था, जरूर उसको निभाया गया और मुख्यमंत्री से आज मीनाक्षी की मुलाकात भी करा दी गई। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर यूपी पुलिस अक्सर विवादों में घिरी रहती है, क्यों आखिर यूपी पुलिस के खिलाफ जो कार्यप्रणाली यूपी पुलिस की है, उस पर सवाल उठते रहते हैं, क्यों यूपी पुलिस अक्सर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती। क्योंकि इससे पहले अगर आपको पिछले साल की घटना के बारे में बताएंगे, चाहे वो हाथरस कांड हो या बिकरू कांड हो, इन तमाम घटनाओं में भी, इन तमाम मामलों में भी यूपी पुलिस पर ही सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा भी तमाम ऐसे मामले हैं जब
यूपी पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आई थी। इन सब के बावजूद भी एक बार फिर से गोरखपुर में जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद भी यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। इसीलिए थोड़ी ही देर बाद जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे चर्चा करेंगे और सीधे तौर पर उनसे सवाल करेंगे कि यूपी में जिस तरह से ये बवाल खड़ा हुआ है और अब ये कहां पर इसका जाके अंत होगा, क्यों अक्सर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में नजर आती है। उससे पहले आपको बता दूं कि 29 सितंबर को बता दें कि मनीष का शव कानपुर लाया गया था और इस दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। लगातार पत्नी की तरफ से, मनीष की पत्नी की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, पुलिस पर आरोप लगातार पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि तमाम वीडियो और तमाम फोटो सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि 7 साल पहले ही मनीष और मीनाक्षी की शादी हुई थी, 5 साल का छोटा सा बेटा मनीष का है और ऐसे में घर में सिर्फ मनीष ही कमाने वाले थे जो अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, जिसके बाद जिनके जाने से अब परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। अब सिर्फ परिवार में मीनाक्षी बची है और 5 साल का बेटा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुख और ये दर्द कितना बड़ा है क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात है। 5 साल का महज मनीष का बेटा है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बुधवार को जब शव मनीष का उनके घर पहुंचा तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और एडीएम सिटी अतुल कुमार आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए का चेक देने के लिए उन्हें पहुंच गए। इस पर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का गुस्सा फूट पड़ा। बिल्कुल लाजमी भी है गुस्सा फूटना क्योंकि देखिए एक परिवार का सदस्य चला गया, 10 लाख का चेक देने से सदस्य वापस नहीं आ सकता, परिवार की जो खुशियां चली गई, परिवार की जो रौनक थी वो कभी अब वापस नहीं आ सकती। और इसीलिए मनीष की पत्नी ने चेक लेने से इनकार करते हुए अफसरों से कहा कि उनके बेगुनाह पति की पुलिस वालों ने पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बजाय हत्या का सौदा करने आए हैं, तुम सब पर लानत है। और साथ ही मीनाक्षी ने कहा कि पहले दोषियों को सजा दी जाए, मांगे पूरी की जाए। मीनाक्षी का दर्द देखकर मोहल्ले वालों का गुस्सा भी भड़क गया, सभी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इसीलिए मामला बिगड़ता देखकर पुलिस कमिश्नर और एसडीएम सिटी पीछे हट गए। तो बता दें आपको गोरखपुर में जिस तरह से व्यापारी की होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उसके बाद से लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पिटाई कांड दागी पुलिस की जांच होनी चाहिए ये हर जगह मांग उठ रही है क्योंकि जिस तरह से इस घटना के बाद एक पुलिस के बयान सामने आए, एक के बाद एक वीडियो सामने आए, पत्नी के बयान सामने आए, उसके बाद से लगातार तमाम सवाल इस पर उठ रहे हैं। हालांकि सियासत भी इस पूरे मामले पर खूब की जा रही है, सपा कांग्रेस सभी पूरी तरह से इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आज परिवार से मिलने पहुंचे थे और ऐसे में परिवार से उन्होंने मुलाकात की, सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई। भाई प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आई, जबकि आज राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। जिस तरह से इस व्यापारी की मौत हुई है उसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में योगी पुलिस पर भी कई सवाल इस समय उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से पुलिस की तरफ से एक के बाद एक बयान बदले जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर किसी संदिग्ध के होने की सूचना थी होटल में, इसीलिए रात 12 बजे अचानक से वहां पर चेकिंग की गई और उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि हड़बड़ाहट में वो गिर गया मनीष, जिसके बाद घायल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार का पत्नी का कहना है कि पुलिस की तरफ से मनीष को पीटा गया। हालांकि देखिए जो चेकिंग का
वीडियो था, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि चेकिंग का जो वीडियो था, जब पुलिस होटल में चेकिंग करने के लिए गई थी, उस वीडियो को तब जारी क्यों नहीं किया गया था, उन फोटोज को तब क्यों नहीं जारी किया गया था। आज हालांकि उन फोटोज को, उन वीडियोज को जारी किया गया है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा था कि अगर चेकिंग के बहाने पुलिस वहां गई थी तो उन वीडियोज और उन फोटोज को तब जारी क्यों नहीं किया गया था, इतना समय पुलिस को क्यों लग गया। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जिन पुलिस अफसर पर आरोप लग रहे हैं हत्या के, उस पुलिस अफसर पर पहले भी वो विवाद में रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं, रामगढ़ताल ये वो थाना है जहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, एफआईआर दर्ज हुई है और ये थाना पहले भी सुर्खियों में रह चुका है, पहले भी विवाद हो चुका है। और इसमें यहाँ पर आपको बता दें कि जगत नारायण पर पहले भी पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का विवाद चलता आ रहा है। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चर्चा यहां पर करेंगे और इसीलिए बीजेपी नेता मनोज पंडित हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, गोरखपुर की घटना के बारे में आपको पता होगा जिस तरह से वहां पर एक व्यापारी की मौत हो गई, पुलिस पर आरोप लग रहा है। क्यों अक्सर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी आती है? पिछले एक डेढ़ साल से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपकी पुलिस पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। पारुल जी, अब ये तो सारी घटना देश के सामने कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब परिचय है जी, पर लेकिन हम तो चाहते हैं कि मौत के राजनीति नहीं चाहिए, चाहे वो सभा सभी पार्टी में घर का गया है, लेकिन मेरी दुखद घटना होती है कि कोई मेरा संवेदना और इस प्रकरण में जिन पुलिस वालों के नाम है उनके खिलाफ हो गई है, सस्पेंड किया गया है और जो भी कोई वीडियो फायर हो रहा है और उनकी घरवाली दिया गया है और 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की भरपाई नहीं कर सकता, पर लेकिन अगर गलती हुई है तो जिम्मेदारी सरकार देती है, तो जिम्मेदारी में भी हम लोग डेविड कंट्रोल कर सकते हो वो करने की कोशिश। मुख्यमंत्री जी, मनोज जी चले गए बिल्कुल, मनोज जी आप कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है, क्या अभी भी आपको यही लगता है कि पुलिस की कोई गलती नहीं है? मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मनोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? अब आ रही है, बीच में ब्रेक हो। मनोज जी, मैं ये कह रही थी, आप ये कह रहे हैं कि अगर गलती है तो कार्रवाई की जाए, क्या आपको अभी भी यही लगता है कि अभी तक पुलिस की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है? चलिए, शायद मनोज जी तक मेरी मनोज जी लेकिन मुख्यमंत्री जी भी तो तभी वहां पर पहुंचे जब इतना ये बवाल हुआ, जब मीनाक्षी ने, मनीष की पत्नी ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिले बिना अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, तभी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। नहीं, पारुल जी, ठीक है,
पर लेकिन गए ना कुछ। अरे अब आप ये समझिए, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मामले उत्तम संस्कार नहीं करते तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, पर हिंदी में भगवान जी पहुंचे वास्ते आपकी भावना का सम्मान किया कीजिए और उस पर जो यथासंभव हो तो कार्रवाई भी की जी। ठीक है मनोज जी, आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर कांग्रेस नेता जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, आपकी सरकार को तो माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया सियासत करने का, क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। क्या पारुल जी भाषा है, क्या शब्द है, ये राजनीति करने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई गोरखपुर, इसमें प्रथम दृष्टिया किस किस तरीके के बिंदु सामने आ रहे जी। पुलिस क्यों सब चीजों को, पुलिस एक तरफ कह रही है कि किसी अपराधी के वहां पर छिपे होने की सूचना मिली जी, और दूसरी तरफ वही पुलिस अधिकारी बयान देते नजर आ रहे कि ये होटल की रेगुलर चेकिंग थी जी। तो अब ये आपस में ही विरोधाभासी बात है कि नहीं है, और हर मुद्दे पर राजनीति हो। 4.5 साल में अगर चुनाव ना होता तो योगी आदित्यनाथ जी आज जो है मनीष के घर नहीं गए होते। आज तक जितनी हत्याएं हुई, जितनी घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री जी किसी के घर नहीं गए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी पुलिस से जबरिया उसको अपने यहां बुलाने का काम किया था, और ये देश की जो सभ्यता और संस्कृत का पैमाना हमारा है उसको तार तार किया। अगर किसी के यहाँ मौत होती है, कोई दुखद घटना होती है, तो पीड़ित परिवार के यहाँ सरकार भी जाती है, विपक्षी दल के नेता भी जाते हैं, परिवार और रिश्तेदार भी जाता है। लेकिन 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश देख रहा है कि पीड़ित परिवार पुलिस की गाड़ियों में लाद कर मुख्यमंत्री आवास या लोक भवन लाया जाता है जी। आप बताइए वो मनीष का क्या कसूर था, मनीष क्या अपराधी था। वो मुख्यमंत्री जी के शहर का विकास देखकर वहां पर गया था कि हम वहां पर कोई व्यवसाय करेंगे, रियल एस्टेट के कारोबार में उतरेंगे। वो रामगांव ताल का जो एरिया है, किसी ने देखा हो ना देखा हो, मैंने देखा है, वहां पर सर्किट हाउस है, उस सर्किट हाउस में अनेक बार मैं रुका भी हूँ। वहां पर किस तरीके से, क्या ये जो दरोगा जी है जिन्होंने घटना की है, ये लगातार चर्चित रहे। जिन सिपाहियों को आपने सस्पेंड किया, आप मुकदमा दर्ज न करने का दबाव बना रहे थे, ये भी ऑडियो आया, तमाम घटनाएं और भी सामने आई। जब आपने मुकदमा दर्ज कर लिया तो उन पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी जी के तो आईपीएस ने व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी अपने साथियों के साथ, और आज तक योगी जी की पुलिस नहीं पकड़ पाई। उस जहां के मनीष गुप्ता जी थे, उसी कानपुर में एक सुजीत यादव अपहरण कांड हुआ था। आप बताइए अपहरणकर्ताओं से सुजीत को छुड़ाने के लिए इसी योगी जी की पुलिस ने उसके परिवार की प्रॉपर्टी बिकवा दी थी, और वो रुपया पुलिस हड़प गई है तो सर्वविदित है, मीडिया ने इस पर डिबेट की है। इस तरीके की कोई पहली का आगरा में क्या हो गया था। अगर आप सारी चीजों को जोड़ेंगे तो योगी जी की जो ठोको नीति थी, ये उसी का परिणाम है कि आज बेगुनाह उत्तर प्रदेश के अंदर मारे जा रहे हैं। आप 2019 और 20 का एनसीआरबी का आंकड़ा उठाइए, हत्या, दुराचार, महिलाओं के अपराध, अब संगीन अपराधों के मामले। लेकिन लेकिन जावेद जी ये जरूर है कि अपराध अभी भी कोई कम नहीं है, लेकिन बीजेपी से पहले जो भी सरकार रही है, अपराध तो तब भी अपने चरम पर था। पारुल जी बात तो वही है ना कि जिन लोगों के समय में ये सब हुआ है वो सरकारें चली गई। आप झूठ का जो दावा कर रहे हैं, आप लाशों की मीनार पर खड़े होकर आप मुग्धता और निर्लज्जता के साथ जनता के धन का प्रचार में खर्च कर रहे हैं। चलिए ठीक है जावेद जी, तो अरे ये वही उत्तर प्रदेश है कि बागपत से बांदा तक की जेलों में, हाई सिक्योरिटी जेल में, हाई सिक्योरिटी बैरक में हत्या हो जाती है, और सरकार कहती है कि अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। तो योगी ठीक है जावेद जी यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी, क्या भूत प्रेत जो है यहाँ हत्या कर रहे हैं।
जावेद जी जरा मेरी भी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जो पहले की सरकारें थी सब में अपराध था, अगर 2022 में आपकी सरकार आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, आप किस तरह से अपराध पर लगाम लगाएंगे? क्या आप वादा करते हैं कि आपराधिक घटना शून्य हो जाएंगी? देखिए, प्राकृतिक घटनाएं होना, परिवार में झगड़ा हो जाना, उसमें घटनाएं होना और पुलिस द्वारा नियोजित तरीके से घटना को कारित करने में अंतर होता है पारुल जी, आपके या मेरे घर में आपस में झगड़ा हो जाए तत्काल पुलिस नहीं पहुंचेगी, लेकिन उन घटनाओं से सवाल खड़ा होता है कि जब पीड़िता न्याय मांगे, पीड़िता पुलिस चौकी और थानों के चक्कर लगाए और पुलिस उस पर दबाव बनाए कि मुकदमा दर्ज मत कराओ, सुना समझौता करो, और क्या हुआ कासगंज में कि सरकार जो है सुबोध कुमार सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर था उनके हत्यारों के साथ खड़ी हो जाए, हाथरस में उस मासूम बेटी को मरने के बाद उसके चरित्र हनन हो, उसको कलंकित करने किया जाए और अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, उस पाटीदार आईपीएस को छोड़ दिया जाए, गोरखपुर में 6 पुलिस कर्मियों की मुकदमा न लिखा जाए और मजबूरी में मुकदमा लिखा जाए, गिरफ्तारी न हो, सुजीत हत्याकांड में ठीक है जावेद जी, परिवार की संपत्ति बिकवा देने वालों के साथ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सब क्या है? ये तो सरकार के संरक्षण में पुलिस का संगठित अपराध कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ठीक है जावेद जी, जावेद जी आपने अभी तक जितनी भी बातें कही, जावेद जी आपने अब तक जितनी भी बातें कही की हैं, मनोज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मनोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पारुल जी ये सब ना रीजन क्या है कि अब कांग्रेस के बच्चे को बचा नहीं जी, अरे अपनी बताओ कांग्रेस की मत बताओ, बाकी तो चली गई है, अपनी अपनी बताओ, ये घटना का बताओ, अरे अपनी हालत देखो, मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, जनता आपके वोटों को गली गली में दबाओ, जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी आपके घर से बिहार से आए निकल, अरे घर से हम बाहर के गए, जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी इस तरह से नहीं समझ आएगा, देखिए आप, देखिए आप दोनों से ही अनुरोध कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए, जावेद जी और मनोज जी आप दोनों से ही मैं अनुरोध कर रही हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से नहीं बात समझ आएगी, मनोज जी आप रुक जाइए, मनोज जी मुख्यमंत्री को आज कानपुर में तमाम लोकार्पण करने पे मजबूरी में पहुंच गए, नहीं थू थू होती चारों तरफ, इसलिए पहुंच गए, 4.5 साल तक मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को अपने आवास पर बुलाया, पुलिस से जबरन बुलवाया। जावेद जी आप जो कह रहे हैं ये कि मुख्यमंत्री इसलिए पहुंचे थू थू होगी, अब तक देखिए पिछले साल की अगर बात कर लूं हाथरस कांड की, आपके पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी, क्या हुआ एक तरह से पूरे मामले को राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया गया, चाहे वो बीजेपी की, देखिए जावेद जी, जावेद जी क्या कर रही थी बीजेपी, क्या कर रही थी निर्भया कांड में, ये राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, फिर एक एक घटना के दो पैमाने नहीं हो सकते, जावेद जी, जावेद जी निर्भया कांड में क्या हुआ था, एक निर्भया कांड में बताइए क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार में बैठे कौन कौन लोग छाती पीट रहे थे, आज पेट में बीजेपी के मरोड़ की हो रही है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए उसको राजनीति करना आप बताएंगे तो ये तो स्वीकार नहीं होगा। देखिए जो भी विपक्ष में रहता है वह सभी राजनीति करने के लिए मुद्दे ढूंढते हैं और इस तरह के मुद्दों पर खूब, फिर आपने मुझ पर आरोप कैसे लगाया, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को सचेत करना, सत्ता पक्ष की आंखों को खोलना, उसको घटना के संबंध, जावेद जी मैंने मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया, जावेद जी आपने कहा कि कांग्रेस
राजनीति कर रही है, हाथरस के मामले में किया, ये आपके शब्द हैं तो, जी बिल्कुल मेरे शब्द हैं जावेद जी। नहीं हुई थी क्या राजनीति? एक साल बीत गया है, मैं तो सरकार से भी सवाल करती हूँ क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ, क्यों? अच्छा ठीक है जावेद जी, जावेद जी एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, अगर अगर प्रियंका गांधी को, अगर प्रियंका गांधी को इतनी चिंता थी फिर आप क्यों नहीं मिलने गई? तभी क्या प्रियंका गांधी को परिवार की याद आ रही थी, उसके बाद नहीं आई? प्रियंका जी ने, प्रियंका जी कल से फोन पर बात कर रही है, कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, आज सुबह भी प्रियंका जी ने उस परिवार से। जावेद जी, जावेद जी मैं हाथरस कांड की बात कर रही हूँ, मैं हाथरस कांड की बात कर रही हूँ जो आपने कहा भी। हाथरस कांड में कांग्रेस ने वो काम किया, आप पत्रकारों को पीटे जा रहे थे, योगी की पुलिस घटना स्थल पर पत्रकारों को नहीं जाने दे रही थी जी। कितने लोगों की योगी जी की सरकार ने उनके संस्थान से नौकरी से छोड़ने का काम किया, पुलिस की किस तरीके से घेराबंदी थी, किस तरीके से घटना को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय प्रियंका जी और राहुल जी ने अगर सड़क पर उतर कर उस बेटी के लिए संघर्ष किया, उसके न्याय के लिए किया, तो पेट में मरोड़ क्या है? और आज वो असली अपराधी जेल के पीछे है या नहीं है? और हाई कोर्ट ने किस तरीके से इसी सरकार को लतावा है उस घटना के मामले में, एक नहीं अनेक बार लतावा है, ये भी तो याद रखना चाहिए। हर विषय को राजनीतिक, भाजपा करेगी तो राजनीति नहीं है वो राष्ट्रवाद है, और विपक्ष करेगा तो वो आतंकवाद है। इस भाषा शैली को बदल लीजिए, ये पत्रकारिता को भी चोट कर रहा है। जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी आप नहीं बताएंगे कि किस भाषा का हमें इस्तेमाल करना है? आप नहीं बताएंगे जावेद जी, आप नहीं बताएंगे जावेद जी, आप नहीं बताएंगे हमें किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? राजनीति करते हैं ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आप राजनीति करते हैं। जावेद जी रुक जाइए, जावेद जी सुन लीजिए जरा, जावेद जी, जावेद जी और मनोज जी आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। अभी इस बीच हमारे साथ सपा नेता अक्रम सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। अक्रम जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं गोरखपुर में ये जो पूरी घटना हुई, व्यापारी की मौत हो गई है, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आज अखिलेश यादव भी मिलने पीड़ित परिवार से पहुंचे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने एनकाउंटर कल्चर को बढ़ावा दिया है। अक्रम जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? अक्रम जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है अक्रम जी, मैं कह रही थी अक्रम जी, जी आपने सुन लिया सवाल? जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए। पारुल जी, जिस तरह से ये हत्याकांड है पुलिस के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण के प्राप्त पुलिस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, और इस तरह से ये पहला कार्य नहीं है जो पुलिस की संरचना, पुलिस के उपस्थिति में जो है किसी व्यापारी की या किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो। अभी इससे पहले उन्नाव में वो सब्जी व्यापारी को, उसको फैसल नाम के व्यक्ति को एक पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया जी। इस तरह प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार इस प्रकार की हत्याएं होती चली आई है, और योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि अपराधी जो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, तो उनका उत्तर प्रदेश छोड़ने का संकेत नहीं था, वो उनका संकेत था अपने साथियों को, क्योंकि वो अपराधी छवि के रहे हैं, उनके साथियों को संकेत था कि जितने अपराधी बाहर है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अगर उनका संकेत ये होता कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे और उस पर सही कार्रवाई होती, तो जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्याएं हुई है पिछले कई किसी सरकार में इतनी हत्याएं नहीं हुई है। 132 एनकाउंटर जो किए गए हैं फर्जी एनकाउंटर हैं, वो सिर्फ एनकाउंटर इस बात के किए जाते हैं, इस बात को लेकर किए जाते हैं ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं वो ना उठाए जा सके जी। और लगातार आप देखते आए हैं कि ये ठाए ढाए वाला जो एनकाउंटर इनका है, ये फर्जी एनकाउंटर है जी, विफलता को छुपाने के लिए लगातार इस प्रकार की हत्याएं और इस प्रकार के फर्जी मुकदमे एनकाउंटर कराए जाते हैं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ धरातल पे तो कुछ किया। तो अक्रम जी, अक्रम जी क्या आपकी सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए? आपकी सरकार में एनकाउंटर नहीं हुए क्या?
देखिए पारुल जी, मैं एनकाउंटर को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो फर्जी एनकाउंटर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। ठीक है अक्रम जी, आपके पास लौटूंगी। अगर अगर एनकाउंटर, अगर एनकाउंटर मैं पारुल जी, मैं अपनी आवाज ऑफ करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। एनकाउंटर वो फर्जी नहीं थे, वो सही थे, तो आप ये बताइए जितने एनकाउंटर होते जा रहे हैं उतना ज्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी जी बिल्कुल अक्रम जी, की कमी नहीं हो रही, अपराधियों में वृद्धि होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी के पास मैं जाना चाहूंगी। मनोज जी देखिए, जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे जिस तरह से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, पुलिस उन्हीं में घिरती नजर आ रही है। देखिए पुलिस कह रही थी कि वहां पर वो चेकिंग करने के लिए गई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस को किसने वहां बताया कि संदिग्ध है और तीन अलग अलग शहर से आए हैं, जब आईडी प्रूफ उन्होंने दे रखा था होटल में, फिर कैसे संदिग्ध होने की जानकारी मिली पुलिस को? और क्या ऐसा होगा कि आखिर में आकर यही हैशटैग चलेगा कि नो वन किल्ड मनीष? नहीं, मैं हम कहां, हम ये नहीं कह रहे पुलिस की गलती नहीं है जी। पर लेकिन गलती किसकी है कि ये तो जांच का मुख्य है ना, जांच होने दो ना, जांच में क्या परेशानी है आपको भाई? जांच होने दो, या तो जांच की ये मुख्यमंत्री ने मना किया हो कि हम जांच नहीं कराएंगे, तब तो आप बोले कि आपसे कह रहे जांच ही नहीं कराएंगे, हम जांच कराएंगे, जांच होने दो, दूध का दूध पानी का पानी होने दो, किसने मना किया है? अभी नहीं कि जो हम लोग अभी दे सकते हैं वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है भाई? जो भी डैम आप, जो भी नौकरी देने की बात हुई या जो भी चीजें हुई वो सब अभी की जा रही है ना जी। अब आप इसमें आप बताओ किससे जांच कराएंगे? हम जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उनको बिल्कुल सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी अधिकारी हो या किस पुलिस वाला हो, चाहे डीएम हो, चाहे अधिकारी कोई भी हो जी। ठीक है मनोज जी, आप जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से सवाल का यहाँ जवाब जानना चाहूंगी। देखिए जब भी उत्तर प्रदेश में, जब से आपकी सरकार आई है, छोटी छोटी अगर चेन स्नेचिंग की घटनाएं भी हो जाती हैं तो वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन क्यों इस घटना के बाद कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा वहां पर? और आप अब देखिए प्रशासन की इतनी भद पिट चुकी है, सरकार की इतनी भद पिट चुकी है, फिर भी क्यों आरोपियों को बचाया जा रहा है? क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? जांच की आप बात कह रहे हैं, जांच होगी, लेकिन जांच कब तक चलती है और कितनी लंबी होती है ये सबको बताएं। पारुल जी आपको बताया मुकदमा दर्ज हो गया ना जी, तो अब कार्रवाई होनी है जी, चाहे गिरफ्तारी अभी हो चाहे दो घंटे बाद हो, जब एफआईआर हो गई और जिन धाराओं में अब मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कोई बच नहीं सकता, उसमें सब जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी जी। अक्रम जी भी कुछ कह रहे हैं, अक्रम जी बोलिए। मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, प्रयास किया जा रहा था मुकदमा ना दर्ज कराने का जी। चलिए जावेद जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है अक्रम जी, आपके पास लौटूंगी, अक्रम जी लौटूंगी आपके पास, जावेद जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरी घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि गोरखपुर की घटना को लेकर पुलिस अपराधियों पर नर्म रहती है और आम जनता पर बर्बर तरह से व्यवहार करती है। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से आप देखिए, अब जो लोग जवाबदेही जिनकी होती है वो बौखला जाते जी। महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी जी लगातार पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के सामने रो रहे थे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। वो योगी जी से मिल के आते हैं लखनऊ में उनके जनता दरबार से और दूसरे दिन उनकी हत्या हो जाती है। आईपीएस पाटीदार पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है तमाम बवाल के बाद। उसके बाद होता क्या है, क्या कानून आज तक जो है पाटीदार के खिलाफ काम कर पाया? पाटीदार कितना बड़ा जो है अंडरवर्ल्ड का माफिया हो गया एक अधिकारी रहते हुए कि उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज नहीं पाई। पारुल जी, हम आप सब जानते हैं कि सरकार और पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो सात समंदर
के अंदर भी अगर छिपा हो पाताल लोक में तो उसको पुलिस खोज लाती है। तो पाटीदार पर किन लोगों का संरक्षण है? बिकरू कांड हुआ, विकास दुबे को पुलिस पकड़ लाई, कितने पुलिस कर्मियों के बीच में वो पुलिस को धक्का देके भाग गया, गाड़ी टकरा गई और न्यायालय का काम पुलिस ने उत्तर प्रदेश में कर लिया जी। इसी तरीके से हाथरस में क्या हुआ? ये जो इस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो बनाया जाता है, जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है तो अपराधी कानून के शिकंजे में होता है। क्या ये पुलिस कर्मी छाए के छाए बिना पुलिस अधिकारियों की मंशा के अंडरग्राउंड हो गए? उनको किसी न किसी का संरक्षण अवश्य रहा है। पहले तो जिस तरीके से ये कहा गया कि इसमें सुलह समझौता हो जाए, कोई मुकदमा न दर्ज किया जाए, अब जब मुकदमा दर्ज हो गया तो ये पुलिसकर्मी कहाँ पर है? ये पुलिस लाइन में रहे होंगे, ये पुलिस आवास में रहे होंगे, इनका परिवार होगा, आखिर इससे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? नहीं होगी, इसलिए कि सारी व्यवस्थाएं जब चाक चौबंद हो जाएंगी। किस तरीके से देखिए, एक और घटना है अलीगढ़ में, इगलास में भारतीय जनता पार्टी के एक दलित विधायक हैं राजकुमार सहयोगी जी। उनके साथ सरकार की पुलिस ने किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे थे, उस कैमरे की जिसको ही वास कर दिया गया था, सिर्फ पुलिस कर्मियों को और कोतवाल को बचाने के लिए, और दोषी कौन हो गया था? सत्ता पक्ष का विधायक, कोई और नहीं। तो सरकार के मुखिया का जब जैसा इकबाल होता है, या तो योगी जी पूरी तरीके से विफल है कि पुलिस अपना मनमानापन कर रही है, या योगी जी का जो ठोको तंत्र है उसने इतना बृहद स्तर ले लिया है कि अपराधी उसके संरक्षण में समानांतर सत्ता चलाएंगे और नर्म आदमी सब समाज का नागरिक मनीष गुप्ता की तरीके से मौत का शिकार होगा पुलिस के हाथों, और पुलिस कर्मी आराम से घूमते रहेंगे। अरे जब 302 का मुकदमा है अभी मनोज जी के खिलाफ, या हमारे खिलाफ, या आमिर साहब के खिलाफ एक मुकदमा हो जाए, 107-16 का मुकदमा हो जाए, तो ये पुलिस वाले घर वालों को जीने नहीं देंगे। राजनीतिक मुकदमा पंडित जी पर हो जाए तो पंडित जी भागे भागे घूमेंगे। यहाँ तो क्राइम हुआ है। ये जो इस सरकार में पूरी तरीके से अपराधीकरण को संरक्षण मिला है, अरे हमारी मत मानिए, सरकार की एनसीआरबी है, उसके रिकॉर्ड को तो देख लीजिए कि स्थिति क्या है। ये स्थिति वही है कि जिस तरीके से शादी बराते पहले जमाने में होती थी तो गंदगी को छिपाने के लिए कनात लगा दी जाती थी, आज जो ये प्रचार रूपी होल्डिंग है, ये सरकार की गंदगी को छिपाने का एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप न्याय दीजिए, अगर आप न्याय करेंगे तो आपका स्वागत निश्चित रूप से होगा, लेकिन आप अन्यायी का साथ देंगे तो स्वागत नहीं होगा। ठीक है जावेद जी, मनोज जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद जी, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ, आपका गुस्सा जायज है और विपक्ष गुस्सा ही इसलिए है कि अगर सरकार कहीं गलत दिशा में जा रही है तो उसको रोका जाए, समझाए। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं और मेरी पार्टी आपको ये आश्वासन देगी कि इसमें जिनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है वो जरूर जेल जाएंगे, और जिन धाराओं का मुकदमा हुआ है उनके साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए मनोज जी, आपने जो कहा कितनी देर में हो जाएगी पाटीदार, आज तक नहीं हुआ। ये जांच में यही जो अधिकारी हैं मनोज जी, ये अधिकारियों के बल पर जब जब सरकार चलती है तो वो सत्ता से बाहर हो जाती है। अगर अधिकारियों की मान के इन पुलिस कर्मियों को राहत दी गई मुकदमे में, तो आपके लिए भी आफत है और राजनीतिक दल फिर मैदान में आएंगे। अब मनोज जी, आप कहेंगे राजनीतिकरण हो रहा है। मनोज जी, जावेद जी एक सेकंड, मुझे मनोज जी से एक सवाल करना है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा की जाएगी कार्रवाई, लेकिन देखिए जिस SHO जगत नारायण पर यह आरोप अभी हत्या का लग रहा है, उस पर पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, माफ कीजिएगा विवाद में वो रह चुके हैं कि पुलिस कस्टडी में एक 20 साल के युवक की मौत हो गई थी, फिर क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हुई उन पर? अब एक दूसरा मामला भी आ चुका है। कार्यकाल में हुआ पारुल जी, कब हुआ, किसकी सरकार में हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ, बताइए आप मुझे। ये 2016 का मामला है, कार्यकाल में नहीं हुआ ना,
हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। और रही बात ये कि देखो पुलिस विभाग ऐसा है पारुल जी, जी। कि जब किसी के पास जाता है तो हर एक आदमी उंगली उठाता है उसकी तरफ। जावेद जी मैं गलत हूं तो बताइए आप मुझे। अब स्थिति क्या है कि सच को और झूठ को साबित करने में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता, फिर भी किसी की व्यक्ति पर हम किसी की लाश पर राजनीति नहीं करना चाहते, ना करने देना चाहते। जो भी परिवार की मांग है उस सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे चाहेंगे उससे जांच की जाए करवाई जाएगी, और जिससे परिवार संतुष्ट होगा वो सारा काम किया जाएगा। आप देख लीजिए कि मीनाक्षी गुप्ता को जो ओएसडी की नौकरी मुख्यमंत्री ने दी, 10 लाख रुपए का चेक जो देते थे वो जांच किया, वो उन्होंने कहा वो सारी, पर ये फिर भी किसी की मौत की भरपाई नहीं हो सकती इन चीजों से। जी ठीक है, अक्रम सिद्दीकी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अक्रम जी बोलिए। पारुल जी मैं कहना चाह रहा था हमारे साथ मनोज पंडित ने अभी एक बात कही कि उस पर दोषी को कार्यवाही की जाएगी, दोषी पर और उस पर मुकदमा लिखा गया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपके इस बार आपके इस इकबाल कर लेने से कि हमने इस गलती को मारा, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बेवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, इस तरह से कैसे काम चलेगा कि आप मीडिया के सामने बैठ के अपनी गलती को मारे, लेकिन वो परिवार का बेचारा अपना पति खो बैठा, एक बच्चा अपना पिता खो बैठा, इस तरह से कैसे उत्तर प्रदेश में काम चलेगा। जी बिल्कुल, आपके इकबाल कर लेने से उनके परिवार की खुशियां वापस नहीं आ जाएंगी। और लगातार अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोगों ने यादव पुलिस वाले को धकिया करके बोला कि यादव जी होश में आ जाओ, इस तरह से व्यवहार होगा पुलिस से, इस तरह से व्यवहार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का नेता जो जनता के किसी कार्य किसी काम के नहीं है, और पुलिस वालों को इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वालों को संरक्षण देकर अपने गुर्गों से क्या करवा रहे हैं व्यापारियों से। जी ठीक है अक्रम जी। मनोज जी आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरह से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी रहती है, और जब यूपी पुलिस मामले में और ज्यादा फंसती चली जाती है, केस दर्ज नहीं होता मामले में, फिर खुद मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं तभी मुकदमा दर्ज होता है? पिछली सरकारों में पारुल जी यही हुआ, उसकी हो जाए मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है मनोज जी, आपकी सरकार में क्यों हो रहा है फिर ऐसा? सुनी जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इसीलिए क्राइम ग्राफ में बढ़ा हुआ है। मनोज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आप कैसी बात कर रहे हैं ये कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था, आपकी सरकार में क्यों हो रहा है? अभी तो आपकी सरकार है ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप किसी की मनोचेता नहीं बदल सकते यार। जब अधिकारियों के ऊपर प्रेशर हुआ करता था कि कुछ भी हो जाए मुकदमा नहीं दर्ज करना, क्राइम ग्राफ हमेशा नीचे रहना चाहिए। जब वो ये बड़ी पार्टी नहीं है हमारे काम करने का, हमारे काम करने का तरीका ये है कि कोई भी अगर व्यक्ति थाने आया तो उसकी शिकायत जरूर सुनी जाए और जो भी यथासंभव कार्यवाही हो सके वो करनी पड़ेगी। अपराध के ग्राफ को इतना बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ है वो पब्लिक के सामने खुल के ना आ जाए, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया सकते। ठीक है जावेद जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, क्या परिवार से मिलने भी जाएंगे वो? देखिए सवाल मिलने जाएंगे या नहीं मिलने जाएंगे, निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की प्रियंका जी की, हमारे नेता राहुल जी की, या एक एक कांग्रेस जन की संवेदना हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है। मनीष गुप्ता जी के और मीनाक्षी जी के उस परिवार के साथ कांग्रेस की पूरी संवेदना है जी। और निश्चित रूप से कांग्रेस जन वहां पर मौजूद भी रहे, प्रियंका जी ने बात भी की है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से अरणिया प्रियंका जी वहां पर जाने का काम करेंगे और उस दुख और उस दर्द में वो सहभागी होने का काम करेंगी, जो एक नेता के रूप में, एक महिला के रूप में, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में बिल्कुल निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ने पर वो जाने का काम करेंगी। और
बात इतनी है कि जाने की आवश्यकता विपक्षी दलों को वहीं पड़ती है जहां पर अन्याय की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। जहां अन्याय की प्रबल संभावना प्रबल होगी या जहां अन्याय होता दिखाई देगा, प्रियंका जी, राहुल जी या कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस जगह पर उस परिवार के साथ खड़ा रहा है, खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है जावेद जी, आप अन्याय की बात कर रहे हैं लेकिन न्याय तो उसके बाद भी नहीं मिलता, चाहे कितनी भी विपक्षी पार्टियां वहां पर पहुंच जाए, सिर्फ उस समय के लिए वहां पर परिवार के साथ शामिल हो जाती हैं पार्टियां, उसके बाद तो परिवार की हालत तब भी ऐसी बनी रहती है। देखिए अब ये जो घटनाएं है, पुलिस का जो अभियोजन है, जो सरकार का अभियोजन होता है वो अपनी गति से चलता है और लगातार ऐसी भी तमाम घटनाएं कि कांग्रेस ने अपने खर्चे पर पीड़िताओं को या पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपने अधिवक्ता खड़े किए कि इसकी पैरवी उचित ढंग से हो, इसकी पैरवी में कोई कमी ना आने पाए। लेकिन यह हम आप सब जानते हैं कि जब सरकार का संरक्षण हो जाता है घटना कारित करने वाले के साथ, एक अपराधी के साथ, तो क्या से क्या नहीं हो जाता है। इस पुलिस थानों के माल खाने से तो क्या क्या नहीं गायब हो जाता है, जीडी गायब हो जाती है, जीडी का तस्करा नहीं मिलता है। कहां पर अभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद तमाम शहरों में, उसके बाद भी क्या स्थितियां हैं। पुलिस का इस्तेमाल जिस तरीके से सत्ताधारी ये जाति और सांप्रदायिक राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां निरंतर और लगातार बिगड़ती गई है। आज कुछ भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि पुलिस मेरे इशारे पर काम करेगी, जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक मेरे इशारे पर काम करेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक एक FIR कराने के लिए रोते और गिलगिलाते घूमते रहते, कोई कार्रवाई नहीं होती तो विपक्षी दलों के विधायकों की और सांसदों की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में रह गई होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि ये एक दिन में बिगड़ गया है, ये 4.5 साल में बुरी तरीके से बिगड़ा, लेकिन 1989 से लेकर आज तक जाति और सांप्रदायिक राजनीति ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है, जिसने आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस तरीके से जन सरोकार से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरे राजनीतिक दल हो किया है, कांग्रेस इसीलिए प्रियंका जी की आपकी पार्टी में नहीं होगा जावेद जी, उत्तर प्रदेश जावेद जी बताइए कि अगर मेरी पार्टी में ऐसे अपराधी हो तो आप बताइए, कांग्रेस ने अपराधियों को संरक्षण दिया हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मुझसे आके आप बहस कर लीजिए। किन लोगों ने माफियाओं को, बाहुबलियों को संरक्षण दिया है ये पूरा देश जानता है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी, उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर न चलकर उत्तर प्रदेश को अपराध के रास्ते पर किसने डाला, आप बताइए। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उद्योग लगाओ, उत्तर प्रदेश में एक पावर प्लांट लगाओ, आप गिना दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस ने PHC और CHC बनवा दिए थे, आप उनमें आज तक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तक उपलब्ध नहीं करा पाए, तो आप बात क्या करेंगे। सारा खेल ये प्रचार तंत्र। मैं अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो IAS बैठते हैं ना, सूचना सलाहकार, सूचना निदेशक, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, ये किसी के नहीं होते, ये मंत्री और मुख्यमंत्री के भावनाओं को, इनकी सोच को पकड़कर इनको कहीं सफेद तौलिया पर बैठाते हैं, कहीं लाइट ब्लू पर, चलिए ठीक है, तो कहीं भगवा पर बैठाते हैं। चलिए ठीक है जावेद जी, समय मेरे पास कम है, ठीक है, आपकी सारी बातें सुन ली, समय मेरे पास कम है, मनोज जी के पास मैं जाना चाहूंगी। मनोज जी, आप बीच में कुछ कह रहे थे, उसका जवाब भी दीजिएगा और मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अब इस पूरे मामले में देखिए, मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात तो कर ली, लेकिन सपा भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में CBI जांच हो, परिवार SIT जांच की मांग कर रहा है। अब आगे किस तरह की जांच इस पूरे मामले को लेकर होगी? पारुल जी, जिस चीज की मांग परिवार करेगा सरकार संभालने की, चाहे वो SIT से कराना चाहे SIT से, चाहे CBI से कराना चाहे CBI से, परिवार की मांगों को पूरा किया जाएगा और
मीनाक्षी जी का बयान आ चुका है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। रही बात ये कि जो जावेद भाई ने बोला कि अपराधियों को संरक्षण देने की बात, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हो सकती। आज मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, आज अतीक अहमद को देख लीजिए। अरे मुख्तार और अतीक को छोड़िए, आप मुख्तार और अतीक क्या है, जो अपराधी है जिन्होंने अपराध का साम्राज्य स्थापित। जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी आपको मौका दिया गया था, सुन लीजिए मनोज जी की बात। आपकी सरकार का विधायक बलिया में खुले आम अपराधी के पक्ष में बयान देता है, कार्रवाई की मुख्यमंत्री बुलाकर उसकी पीठ। जावेद जी ऐसे नहीं समझ आएगी, ना आपकी बात समझ आएगी ना मनोज जी की बात समझ आएगी। आपको समय दिया गया था, मनोज जी को बोलने दीजिए। पारुल जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं, अपराधी अपनी जगह पर है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश से चले गए थे, आज आप देखिए उनको लाने के लिए सरकार ने 2 साल लड़ाई लड़ी और उत्तर प्रदेश वापस लेके आए उनको जी। तो इस सरकार से पहले जावेद भाई किसी सरकार ने किसी घर में बिल्डोजर नहीं चलाया था, पहली सरकार है। चलिए ठीक है मनोज जी, 5 सेकंड। मनोज जी, भारतीय जनता, मनोज जी मनोज जी, जावेद जी ठीक है, आप दोनों की बातें सुन ली है, अभी समय मेरे पास नहीं है। मुझे जात विशेष की सूची लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, उन 22 बड़े माफियाओं के खिलाफ योगी जी क्यों कार्रवाई करने में। चलिए ठीक है जावेद जी ठीक है, समय नहीं है जावेद जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब ऐसे में गोरखपुर में जिस तरह से इस व्यापारी की हत्या के मामले में लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक की पत्नी से जरूर मिले, हालांकि पत्नी की तरफ से भी ये कहा गया कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जो कुछ भी मुख्यमंत्री ने कहा है उसको लेकर हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन अब इस मामले में आगे पुलिस और कितने कटघरे में खड़ी होती है, कितने सवालों में घिरती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।